आप सभी का लाइव के भी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मुख्यमंत्री ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास, जनपद को 1132 करोड़ की 144 परियोजनाओं की मिली सौगात। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा देवीपक्ष सिंह के नाम से होगा मेडिकल कॉलेज का नाम। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जनपद पहुंचकर शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज टामसन में जनपद की 1132 करोड़ रुपए की लागत की 144 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 938.78 करोड़ रुपए की लागत से 97 परियोजनाओं का शिलान्यास और 193.57 करोड़ रुपए की लागत से 47 परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इन परियोजनाओं में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रुपए 282 करोड़ की लागत से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा देवी बख्श सिंह के नाम से बनने वाला राजकीय मेडिकल कॉलेज गोंडा का भी शिलान्यास कर चिकित्सा परियोजनाओं की सौगात दी गई। इस अवसर पर विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी पाटन मंडल में 3 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिसमें जनपद बहराइच में 10वीं शताब्दी के महान योद्धा महाराजा सुहेल देव के नाम से वर्तमान में बनवाया गया मेडिकल कॉलेज कार्य कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किया और विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टालों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंडा जनपद मुख्यालय पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज से देवी पाटन मंडल के साथ ही पूर्वांचल के बच्चों को भी चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। ऐसे बच्चे जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं उनका भी भविष्य संवरेगा और चिकित्सक बन पाएंगे। इस मेडिकल कॉलेज में आगामी वर्ष 2022-2023 से प्रवेश शुरू हो जाएंगे। इस संकल्प के साथ शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र के लिए उपयोगी रोजगार परक योजनाएं और विकास कार्य कराए जा रहे हैं। समारोह में प्रदेश के मंत्री वित्त और संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा सुरेश कुमार खन्ना, मंत्री समाज कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण रमापति शास्त्री, जनपद के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, सांसद कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह और सांसद गोंडा कीर्ति वर्धन सिंह ने संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री का स्वागत किया और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं विकास कार्यक्रमों का उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। लाइव टीवी समाचार के लिए गोंडा से रामनारायण जायसवाल की रिपोर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को प्रवेश करने की सुविधा, मेडिकल की पढ़ाई करने की सुविधा यहाँ पर प्राप्त होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं मंच पर उपस्थित इस जनपद के अपने माननीय दोनों सांसदों का, सभी माननीय विधायकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने। तो इन लोगों ने मिलकर के प्रयास किया, आज यहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, जहां पुल बनने वहां पुल बनाए जा रहे हैं, जहां पॉलिटेक्निक बना वहां पॉलिटेक्निक बन रहा है, जहां आईटीआई का निर्माण होने वाला आईटीआई का निर्माण होना हो रहा है। भी मैं स्वयं गोंडा में आया था और तब मैंने गोंडा वासियों को कहा था, आपको उपचार के लिए लखनऊ और दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, गोंडा में ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और मैं यहाँ के सभी हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने प्राण प्रण से लग करके प्रवासी कामगार और श्रमिक भारी संख्या में आए थे, इस सबके बावजूद उन्होंने कोरोना को प्रभावी नियंत्रण किया और आपकी आस्था तो गजब की आस्था है। भाइयों बहनों, आपकी आस्था के सामने तो अब कोरोना भी फेल हो गया है। आपने देखा होगा नवरात्रि के पहले कोरोना उत्तर प्रदेश से गायब और अब दीपावली आ रही है, पर्व और त्योहार हर्षोल्लास और उमंग के साथ आप मना सकेंगे। इस दृष्टि से कोरोना पूरी तरह लगभग नियंत्रण में, पर्व और त्योहार को हम हर्षोल उमंग के साथ मना सकेंगे, लेकिन हम सबको सावधानी और सतर्कता रखनी पड़ेगी। पर्व और त्योहार में बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना नहीं, लेकिन दूसरे राज्यों से जो लोग आएंगे अपने घरों को रास्ते में या उन राज्यों में जो कोरोना का वायरस अभी भी मौजूद है,
वह संक्रमण भी गांव में या आपके जनपदों में आ सकता है। इसके लिए सतर्कता बरतनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी और इस सतर्कता और सावधानी से ही हम कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित करने, समय पे टेस्ट सबको टेस्ट, समय पे वैक्सीन सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन के लक्ष्य को प्राप्त करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को उन्मूलन करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या, हमारी की गारंटी प्रदेश के अंदर दी गई, निवेश के बेहतर वातावरण के माध्यम से 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ा गया। प्रदेश के अंदर 3,00,00,000 से अधिक प्रवासी और निवासी कामगार और श्रमिकों को 2,00,00,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5,00,00,000 रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा कवर से जोड़ने का कार्य भी किया गया। और यही नहीं, आस्था का सम्मान करते हुए जिसमें लोग कभी कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस अयोध्या में आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य भी शुभारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये राम मंदिर का काम कांग्रेस कर पाती? आप जवाब दीजिए, मैं यहां से पूछ रहा हूं, क्या ये काम कांग्रेस करती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? और क्या ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी या अन्य दल करते? हमने जो कहा वो करके दिखाया है। हमने 2014, 2017, 2019 में जो कहा वह करके दिखाया है। चाहे वह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, अब तो इसमें कोई संदेह नहीं है ना, कोई संदेह है अयोध्या के मंदिर कोई संदेह नहीं है ना? जो कहा था कि रामकला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वह करके दिखा भी दिया है ना, अभी भी कोई संदेह है? संदेह एक बात का जरूर होगा, जो लोग कहते थे कि हम अयोध्या में परिंदवानी पर नहीं मारने देंगे, आज ये भी कहते हैं कि रामलला तो हमारे भी है, उनमें संदेह जरूर। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।